हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी वियर द मास्क एक कविता है जो अफ्रीकन अमेरिकन पोइट पॉल लॉरेंस डनबार के द्वारा लिखी गई है। इसे 1896 में पब्लिश किया गया था। वी वियर द मास्क एक लिरिकल पोयम है। सिविल वॉर के बाद अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के जीवन के बारे में पोइट बताते हैं, कैसे लोगों को ढोंग करना पड़ा कि सब कुछ ठीक है। कविता इस अफ्रीकन अमेरिकन्स के दयनीय परिस्थिति को दिखाती है, साथ ही लोगों को अपना यातना, अपने अंदर की निराशा को किस तरह से छुपाना पड़ा, मानो कि वो अपने चेहरे पे एक मास्क लगा रखे हो, एक नकाब लगा रखे हो। वो नकाब खुशी और संतुष्टि का था, हालांकि वो अंदर से काफ़ी परेशान थे, काफ़ी कष्ट में थे, लेकिन बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए वो अपने चेहरे पर एक बनावटी खुशी रखने के लिए वो विवश थे। असल में सिविल वॉर के दौरान अफ्रीकन अमेरिकन्स लोगों को भावहीन लोगों के साथ समय बिताना पड़ा, और जिंदा रहने के लिए वे लोग अपने अंदर के पीड़ा को, अपने कष्ट को वो छिपा रखे थे। सो यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि उन लोगों को जो है अपने वास्तविक भावना को नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उन्हें यकीन दिलाना चाहिए उस नकली बनावटी भाव पर जो हम लोग दिखा रहे हैं उसे। और बाहरी दुनिया कभी भी संदेह ना करे कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है, वी वियर द मास्क डेट ग्रीन्स एंड लाइज। यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले वो पर्सोनिफिकेशन यूज किए हैं यहाँ पे कवि, और यहाँ पे वी, यहाँ पे संभवतः वी जो है अफ्रीकन अमेरिकन्स को रेफ़र करता है, ये उन तमाम ब्लैक पीपल को रेफ़र करता है। और स्पीकर बताते हैं कि कैसे ब्लैक पीपल जो है अपने वास्तविक भाव को जो है मास्क के सहारे छिपाते हैं, और यह मास्क हमें इस तरह दिखाता है कि हम लोग खुश हैं, लेकिन यह तो झूठ बोल रहा है। डेट ग्रीन्स एंड लाइज, इट हाइड्स आवर चिक्स एंड शेड्स आवर आइज। यह मास्क उनके चिक्स को ढक रखा है, उनके गालों को ढक रखा है, और आँखों पर छाया डाल रही है, यानी कि आँखों से जो निकल रही आंसू है जो गालों के सहारे बहती है, पर मास्क लगाने की वजह से ये आंसू से द्रवित आंखें और गाल जो है वो नहीं दिख रही है। स्पीकर आगे कहते हैं कि दिस डेट वी पे टू ह्यूमन गाइल। यह लाइन जो है स्लेव ट्रेड को संकेत करती है। अमेरिका में स्लेवरी जो गुलामी जो है तब शुरू हुआ था जब अफ्रीकन वासी को जो है विदेश जाने के धोखे में फॉरेन शिप पर बैठाया गया। इन लोगों को तब अमेरिका में बेच दिया गया। तो स्लेवरी जो है, या कह सकते हो दास प्रथा भी, स्लेवरी और जातिवाद के कारण जो है अफ्रीकन अमेरिकन्स अपने वास्तविक भावनाओं को दिखाने में वो असक्षम थे। यदि वो ऐसा करते तो उन्हें काफ़ी दंडित किया जाता वाइट पीपल के द्वारा। तो ये जो मास्क है लगाकर वो कर चुका रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा गया था, दिस डेट वी पे टू ह्यूमन गाइल। गाइल का मतलब होता है छलावा, धोखा। एंड माउथ विथ मैरिड सटलिटीज। आगे यहाँ पे जानवर कहते हैं कि ये माउथ, यहाँ पे आप समझ सकती हो स्पीकिंग के सेंस में, विथ टॉर्न एंड ब्लीडिंग हार्ट्स वी स्माइल। सॉरी, एक लाइन यहाँ पे मैंने मिस किया, विथ टॉर्न एंड ब्लीडिंग हार्ट्स वी स्माइल। यहाँ पे जो यूज की गई है टॉर्न एंड ब्लीडिंग, ये उनके अंदर के कष्ट को, उनके यातना को जो है बता रही है कि वो अंदर से कितना परेशान है। उन तमाम दुखों के बावजूद भी वो अपने एक बनावटी, अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट रखे हैं, ताकि बाहरी दुनिया को कोई संदेह ना हो, ताकि वो नहीं जान सके। एंड माउथ विथ मैरिड सटलिटीज। यहाँ पे वो आगे कहते हैं, यहाँ पे अर्थ मैरिड का मतलब होता है असंख्य, असीमित, बहुत सारे, जबकि सटलिटी का अर्थ होता है चालाकी, धूर्तता। यहाँ पे वो कहते हैं कि उन्हें जो है काफ़ी धूर्तता से, काफ़ी चालाकी से बोलना पड़ता है, जिससे कि अपने अंदर का भाव जो है दूसरे के सामने प्रकट ना हो सके। Why should the world be overwise in counting all our tears and sigh? स्पीकर कहते हैं, गुलामों के दुर्दशा और दैनता को संसार को बताने की जरूरत नहीं है। वो पूछते हैं कि संसार को क्या जरूरत है, वो क्यों अवगत हो कि हमारे मास्क के पीछे, यानी कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कितने दुखों का हम लोग सामना कर रहे हैं।
इससे संसार को क्या फर्क पड़ता है, उसे क्यों अवगत होना चाहिए, क्यों जानकार होना चाहिए? ने लेट देम ओनली सी अस वाइल वी वियर द मास्क। अपने वास्तविक संघर्षों को दिखाने के बजाय अन्य लोगों को वही देखना चाहिए जो ब्लैक पीपल अपने चेहरे पर नकली या कह सकते हो कि बनावटी खुशी वो दिखा रहे हैं। लेट देम ओनली सी अस वाइल वी वियर द मास्क। बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ यहाँ पे, और लिखा गया है वी स्माइल बट ओ ग्रेट क्रिस्ट आवर क्राइज टू दी फ्रॉम टॉर्चर सोल्स अराइज। स्पीकर कहते हैं चाहे क्यों ना वो बाहर से स्माइल कर रहे हैं, अपने को बाहरी दुनिया के सामने खुश दिखा रहे हो, पर जीसस क्रिस्ट को सच मालूम है, वो सच जानते हैं। क्रिस्ट उन लोगों के यातना को, उनके दुखों को देख सकते हैं, उनके मुस्कुराहट के पीछे के आंसू को देख सकते हैं। वी सी बट ओ द क्ले इज वाइल। यहाँ पे वो कहते हैं कि वी सी बट ओ द क्ले इज वाइल। अफ्रीकन स्लेव्स जो है, वो गुलाम जो हैं, वो गीत गाया करते थे ताकि वो अपने अंदर के उत्साह को जो है वो कायम रख सके, ताकि वो संघर्ष कर सके लगातार जो वो करते आ रहे थे। यहाँ पे लिखा गया है वी सिंग बट ओ द क्ले इज वाइल्ड बेनिथ आवर फिट। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि क्ले यहाँ पे शायद हो सकता है वो संसार को यहाँ पे संकेत कर रहा है, या जमीन को, या उनका जो परिवेश है रहने का, या सामाजिक जो ढांचा है जिस परिवेश में वो रह रहे हैं वो वाइल है, वो बिल्कुल ही ख़राब है। सो यहाँ पे मीनिंग निकल के आता है कि वो जिस परिवेश में रह रहे हैं, जो सामाजिक ढांचा है, वो बिल्कुल ही ख़राब है। वाइल का मतलब यहाँ पे हो गया, ये रेफर करता है, कह सकते हो कि बिल्कुल ही ख़राब। और आगे फिर यहाँ पे लिखा गया है एंड लॉन्ग द माइल। एंड लॉन्ग द माइल उस लंबे समय को यहाँ पे कभी बता रहे हैं जो अभी भी गुजरने को है, अभी भी उसके स्थिति में जो सुधार आने वाली जो समय है वो आई नहीं है। अभी उनका यह समय जो है, जो वो काफ़ी कष्ट से गुजर रहे हैं, वो अभी भी जारी रहेगा, ये काफ़ी लंबा है और ये चलता रहेगा। बट लेट द वर्ल्ड ड्रीम अदरवाइज वी वियर द मास्क। तब तक बाकी संसार को ये लगे कि ये ब्लैक पीपल जो है वास्तव में खुश हैं और ये लोग अपने पर मास्क लगाए रखेंगे, और बाकी संसार को वही लगे कि ये जो ब्लैक पीपल अपने चेहरे पे जो खुशी, जो कॉन्टेंटमेंट जो दिखा रही है वो वास्तविक है, वो सच है। सो यहाँ पे स्पीकर कहते हैं लेट द वर्ल्ड ड्रीम अदरवाइज वी वियर द मास्क, और हम लोग ये मास्क जो हैं लगाए रखेंगे। आई होप कि यह कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।